शाहरुख खान ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल पर जमकर निशाना साधा है। शाहरुख ने रणबीर के करेक्टर को लेकर कहा है कि उसे कुत्ते की मौत मरना चाहिए। शाहरुख के इस बयान को सुनकर लोग शॉक्ड रह गए हैं। एनिमल में रणबीर कपूर के किरदार को लेकर लोगों में दो राय बनी हुई है। किसी ने इसे अच्छा बेटा बताया है जो अपने पिता का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक कर गुजरता है, तो किसी ने इसे टॉक्सिक कहा है जो लड़की से जूता चाटने को कहता है और अपनी बीवी पर गोली चला देता है। इस बहस में अब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी कूद गए हैं। हाल ही में शाहरुख CNN के इवेंट में पहुंचे थे जहां उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर शाहरुख ने फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाने पर कहा, मैं ऐसा आदमी हूँ जो उम्मीदवान है, लोगों को खुश करने वाली कहानियां सुनाता है। जो हीरो मैं पर्दे पर बनता हूँ वो हमेशा अच्छी चीजें करता है, लोगों को आशाएं और खुशियां देता है। अगर मैं कोई बुरा किरदार निभाऊं तो मेक श्योर करूंगा कि उसे बहुत तकलीफ हो और वो कुत्ते की मौत मरे। मेरा मानना है कि अच्छाई से अच्छाई जन्म लेती है, मुझे लगता है कि बुराई को लात पड़नी चाहिए। शाहरुख के इस बयान को सुनकर लोग ये समझ गए हैं कि उनका इशारा एनिमल की तरफ है। उन्होंने बिना नाम लिए रणबीर की फिल्म पर निशाना साधा है। एनिमल में रणबीर के ग्रे शेड वाले किरदार को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई। कई बड़े स्टार्स इसे लेकर बयान दे चुके हैं। शाहरुख एक्ट्रेस के बीच हमेशा अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा विमेंस को रिस्पेक्ट देते हैं। फिल्मों में भी शाहरुख कभी हीरोइन पर हाथ नहीं उठाते। फिलहाल शाहरुख का ये बयान वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।